मैंने सुना है कि गुरुदेव जी से कि नारी के तीन रूप, कन्या, गृहिणी और माँ, जब बेटियां छोटी होती हैं, घर में होती हैं, मायके में होती हैं, कन्या हैं। कल तो मैंने कहा था कि संस्कार, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, दोनों को ही अच्छे संस्कार की आवश्यकता होती है। और यहाँ तक बातें कही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात कही है, यदि आप किसी बालक को पढ़ाते हो, शिक्षा देते हो, तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो और किसी बालिका को, किसी लड़की को शिक्षित करते हो, तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। ये उनका कहना है। पुरुष सुधरता है तो अकेले, लेकिन जब महिलाएं सुधरती तो पूरा परिवार वो बदल के रख देती हैं। इतना महत्व है उनका। इसलिए अच्छा, हमारी भारतीय परंपरा में खास करके थोड़ी सी मान्यताएं कुछ अजीब सी हैं। अजीब सी मैं इसलिए कहता हूँ, लड़के और लड़की में अंतर मानते हैं। अंतर किस मामले में? कि लड़का श्रेष्ठ है और लड़की श्रेष्ठ नहीं है, कम है, उनका दर्जा कम है। अच्छा, ये बात पुरुष माने तो भी बात समझ में आती है, लेकिन ये बात ये माता बहने भी मानती हैं। जब इनको इनका प्रसव होता है डिलीवरी के समय, और कोई डॉक्टर या घर के कोई और माताएं होती हैं, वे बताई कि लड़की है कि लड़का है, यदि वो सुनती हैं कि लड़की पैदा हुई है तो उनका चेहरा मुरझा जाता है, और लड़का हो गया तब खुश हो जाती हैं। क्यों? आप तो लड़की हैं, और कोई लड़की पैदा घर में हो गई तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन इन माता बहनों को भी लड़की नहीं लड़का चाहिए। क्यों लड़का चाहिए? ऐसा लगता है कि ये तार देंगे, है ना? ये इतना बड़ा धोखा है। अब इन सारी बातों को मैं अभी बताऊं तो फिर उसी में समय निकल जाएगा। ये धोखे में मत रहिए आप। कोई लड़का, कोई पुत्र किसी को तारता नहीं है। आपके अपने कर्म होते हैं, उसी से सुख दुख मिलते हैं। मैं एक बात पूछूं आपको, अभी बहुत सारी कथाएं सुन रहे थे, राम सीता के विषय में भी बातें और भी बता रहे थे साहेब जी। राजा दशरथ जो अयोध्या नरेश थे, उनके कितने बच्चे थे? सुने कि नहीं सुने रामायण कभी? कितने बेटे थे? चार, सही है ना? और उनके नाम तो सभी जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार हैं। और चारों की योग्यताओं में किसी को संदेह नहीं है, चारों योग्य थे। राजा दशरथ के बुढ़ापे में ये चार पुत्र पैदा हुए और चारों ही योग्य थे। जब राजा दशरथ का प्राणांत हुआ, मरने लगे, कौन उनके पास रहा मुझे बताओ? कोई नहीं, सही ना? भरत और शत्रुघ्न चले गए थे अपने नाना के यहाँ, ननिहाल। और ये राम और लक्ष्मण का वनवास हो गया था। अंत में उनके मुंह में गंगा जल डालने वाले एक भी बेटा नहीं थे। राम राम कहते कहते वो तड़प तड़प के मर गए। कोई सहयोग दिया? कोई साथ दिया? जब राजा दशरथ के ही कर्म खराब थे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? वो चाहे वो भगवान ही उनके घर पैदा क्यों ना हो। और आप क्या समझ रहे हैं कि मेरा बेटा होगा और मुझे पिंडदान करेगा और मुझे तार देगा? क्यों धोखे में रहते हैं आप? नाम चलाएगा बेटा, नाम चलाएगा। आप लोग बताओ, अपने दादा बाबा का कितने नाम चला रहे हो? अच्छा, कितने दिन तक नाम चलाएंगे? नाम केवल पैदा कर देने से चलेगा?
कई बार तो आप जब बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तब तो गजभर छाती हो जाती है, गुरुदेव जी कहते थे। और पहले कबीर साहब के समय में क्या होता था, थाली बजाई जाती थी, आजकल तो पटाखा फोड़े जाते हैं ना। मैंने सुना है कहीं जब बेटा हुआ तितने पटाखे, बेटी हुई तितने पटाखे फोड़े जाते हैं। कबीर साहब के समय जब थाली बजती थी तो साहब ने कहा है, ये बात आई है उनकी पंक्ति, उनकी वाणी में, बेटा जाए क्या भया, कहा बजावे थार, आवन जावन हो ही रहा, जो पीढ़ी क्यों ना। बेटा पैदा हो गया तो क्या थाली बजा रहे हो, अरे ये आना और जाना है। जैसे कीड़ी मतलब चींटियों की जो पंक्ति होती है ना, ऐसे ही ये जीव शरीर धारण किया है, आएगा और जाएगा। अपना मान के बैठे हो, अपना मान करके बैठे हो, और गोद में जब बच्चा होता है तब तो बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे की अपनी कोई मांग नहीं होती है। देखने में मासूम, दुलारा, प्री, बहुत बढ़िया, सुकोमल, बहुत अच्छा लगता है उनका हंसना, मुस्कुराना, चलना, घुटने के बल पर चलना, कुछ भी करना, सब कुछ, सारे एक्शन उनके प्रीकर होते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने जाता है, उसकी अपनी मांग शुरू होती है, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, हाई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, तो वो मांग शुरू करता है, नहीं मुझे माइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, नहीं मुझे मोबाइल चाहिए। अब आपके मन में क्या होता है, ये शैतान पढ़ता लिखता तो ठीक से नहीं है और मोबाइल मांगता है, क्या करेगा, समझ रहे हैं। और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, और आप भरोसा क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़े लिखेगा, फिर बहुत अच्छी नौकरी होगी, और जब नौकरी अच्छी लग जाएगी तब फिर एक अच्छे घर से बहू लाऊंगा। सपना देख रहे हैं, सब सपना ही देखते हैं, और क्या होता है, और सारे सपने चूर चूर होते रहते हैं, समय से होते चले जाते हैं। और मैंने कहा ना, आपके मन में कलमस है, आपके जीवन में दाग हैं, तो बच्चे यदि आपके पैर भी दबाएं, सेवा भी करें, तो आप कहां सुखी हो सकते हैं। लेकिन आपके मन में पवित्रता है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो बच्चे यदि आपके पास नहीं भी हो तो भी आप सुखी हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए केवल बच्चों की उपस्थिति ही सब कुछ नहीं है, आप केवल बेटे को ही सब कुछ मान ले। मैं कह रहा था बेटी हो या बेटा, दोनों बराबर समझो, कोई बड़ा छोटा ना समझो। नहीं क्या होता है, कई लोग तो बेटे को पाने के लिए बेटियों की लंबी लाइन लगा देते हैं, अब क्या बताया जाए। ऐसे भोले लोग हैं जो इतनी भी नहीं समझते कि बेटी हो गई बहुत है, बस वो भी सेवा करेगी। जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। नाम चलाया कि नहीं चलाया, नाम चलाया। और अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा, है ना, सही कह रहा हूँ, तो वो बराक ओबामा, तो उनकी केवल दो बेटियां बस। अच्छा, ऐसे कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, बहुत सारे, जो अपनी बेटी को पा करके संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, ये माताएं भी घर में, जो सास हो या और भी कुछ लोग हैं, बेटे नहीं आया तो घर में जो बहू है उसी को कोसते रहते हैं, कितनी दुर्बुद्धि है। उनकी क्या गलती है, उनकी क्या गलती है कि जिसमें आपको बेटा नहीं है तो बेटी है, बेटी पैदा कर रही हो। अरे इतनी तो समझ रखो, बेटी और बेटा दोनों समान होते हैं। और मैं तो कई बार देखता हूँ, बेटियां जितना माता पिता के सहयोग और चिंता करती हैं, बेटे बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बेटे की उलाहना दे रहा हूँ, बेटे की आलोचना कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटे भी अच्छे हैं, बेटी भी अच्छी है, दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों। आपका दायित्व है उन्हें अच्छे संस्कार दें। ये बात आ गई आज, चूंकि कन्या, इस पर मैं कह रहा था, कन्या और नारी और माँ, इसके बाद गृहिणी और माँ, ये तीन रूप हैं। तो पहली बात तो कन्या, उसको आप, उनको शुरू से ही आप प्राथमिकता दिए बच्चे को, वहीं बेटी को आप जो सुविधा चाहिए वो सुविधा न देकर, केवल सारी सुविधाएं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा को लेकर के हो, चाहे कई बार तो बेटे गलती करे
लेकिन कभी भी माता पिता डांटते फटकारते नहीं है। और उससे आधी गलती कोई बेटी कर दे तो माता पिता उनको डांटने और मारने पिटने लग जाते हैं। ये वो खुद बेटियां खुद समझ बताती है इस चीज को कि कैसे हम लोगों का ये ऐसे ऐसे करते थे, वो करते थे, कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। और वही बेटा एक दिन अंगूठा दिखा देता है जिसको लेकर कहते, और वही बेटियां जिनका वो अपमान करती थी वो सहयोग करने लग जाती हैं। मैं ये कह रहा था, एक उदाहरण याद आया, मैं बताऊं। एक दंपत्ति जो किसी बाजार शहर में रहते थे और कोई अच्छी सर्विस अच्छी आमदनी रही होगी दोनों उनकी, तो एक दिन जब मकान नया मकान शायद रेंट पे ही रहे, किराए पर रहते रहे होंगे, तो वो रहने लगे तो, लेकिन एक दिन दोनों बैठे और क्या तय करते हैं, शुरुआत ही थी शादी के कुछ दिन के बाद की बात थी, कि कोई भी घर में आए और दरवाजा खटखटाए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ये दोनों ने तय किया। तो ठीक है, कोई आए दरवाजा नहीं खोलना है, दो ही रहेंगे घर के अंदर। तो हुआ क्या, कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के पश्चात जो युवक था उनका माता पिता आए और आए और दरवाजा खटखटाने लगे, दोनों को दोनों अंदर थे। अब चूंकि निर्णय लिए थे कि भी दरवाजा नहीं खोलना है, तो फिर दोनों देख रहे थे, सुन तो रहे थे लेकिन दरवाजा नहीं खोलना है। अच्छा, उनको पता भी चल गया कि कौन आया है, इसके बावजूद दरवाजा नहीं खोले। आखिर जब उनको पता हो गया कि अंदर हैं, उसके बावजूद दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो वो निराश होकर के वापस लौट गए, दरवाजा नहीं खुला। समय बीता, काफी समय बीता, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर दरवाजा खटखट हुई, फिर पता किया तो पता क्या चला, अब जो बहू थी लड़की थी उसके माता पिता आए हैं, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब तो संकल्प है, अच्छा पहले घटना भी घट चुकी है कि आए थे माता पिता और दरवाजा नहीं खोला गया था, अब इनकी माता पिता आए दरवाजा नहीं खोलना है, दोनों बैठ रहे सुन रहे हैं बार बार आवाज आ रही खटखट खटखट की और दरवाजा नहीं खुल रहा है, दोनों स्तब्ध दोनों मौन, क्या करें। कुछ देर बीते और फिर दरवाजा में खटखट की आवाज हुई, तो जो बहू थी घर की, जो उसकी पत्नी थी, वो उठती है और उठ करके दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुल गया, तो दरवाजा खुल गया तो उसके जो माता पिता थे वो घर के अंदर आ गए। अंदर आ गए फिर और बातें होने लग गई, फिर ये नहीं कहा गया कि क्यों खोले, क्यों नहीं कहा गया था क्यों खोले, कोई चर्चा नहीं, बातें बीत गई। फिर क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात उन दोनों के बीच में पुत्र आए, मतलब बच्चा पैदा, बेटा पैदा हुआ। तो बेटा पैदा हुआ तो जो जो कह रहे हैं ना छठी का कार्यक्रम, षष्ठी का कार्यक्रम, उसमें लोगों को आमंत्रित करते हैं। पहले तो बहुत छोटा रूप होता था, अब तो बड़ा विस्तार ले लिया है वो, तो लोगों को वो बहुत कम लोगों को आमंत्रित किए, चुनित लोगों को, और सामान्य अल्पाहार करा करके कार्यक्रम को संपन्न कर दिए। ऐसा समय बीतता चला गया और समय बीता, तो क्या हुआ, एक दो तीन साल के बाद में उनकी बेटी पैदा हुई, और बेटी पैदा हुई तो उनकी षष्ठी का जो कार्यक्रम था उसके लिए बड़ा आयोजन किया, वो आदमी ने बड़ा आयोजन किया, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया, चाहे वो रिश्तेदार हों मित्रगण हों, बहुत से लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, और विशेष आयोजन जो भोजन पानी का आयोजन और भी कार्यक्रम इत्यादि था उसका बड़ा आयोजन किया, उसने बहुत खर्च किया, मेहमान आए, सब कुछ अच्छा हुआ, कार्यक्रम बढ़िया हो गया, कार्यक्रम संपन्न हो गया, सभी ने कहा भाई ऐसा तो कभी कार्यक्रम तो जब जल्दी देखने को नहीं मिलता है, बहुत खर्चा किया गया, बड़ा स्वागत बड़ा आदर हुआ। जब सब चले गए मेहमान, तो पति पत्नी साथ बैठे तो क्या कहते हैं, पत्नी ने कहा क्यों जी, जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब तो आपने उसके लिए जो कार्यक्रम किए थे उसमें बहुत छोटा कार्यक्रम किए, कम लोगों को आमंत्रित किए, सामान्य एक स्वल्पाहार का की व्यवस्था कर दिए, ऐसा कुछ खर्चा किए नहीं, कोई अन्य कार्यक्रम रखे भी नहीं। फिर जब बेटी पैदा हुई तो इतना बड़ा आयोजन, इतने लोगों को आमंत्रित किए और इतना खर्च किए,
बहुत खर्च किए, ऐसा क्यों किया तुमने? इतना बेटी के पैदा होने पर इतना खर्च क्यों किए? तो उस युवक ने क्या, उस आदमी ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा क्योंकि यही बेटी है जो मेरे लिए आगे दरवाजा खोलेगी, यही बेटी है जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। मैं ये कह रहा था कि आप जो कन्या है उसको भी वही उचित संस्कार दो, क्योंकि बचपने में जो संस्कार, मैं कई बार लड़कियों से भी कहता हूँ, देखो कई बार अभी होगा क्या, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर रही हो, स्कूल में भी कभी जा करके बोलने का अवसर मिला, या बच्चे आ मेरे आश्रम में आए और उनसे बातचीत हुई, या मिलने यूं ही आते तो भी मैं कई बार इन लोगों की बातें करता हूँ। अभी तो ठीक है, माता पिता के पास हो, घर परिवार में जहाँ जन्म लिए हो सब परिचित हैं, सबके स्वभाव, सबके कार्य पद्धति और सबके खान पान सब परिचित हैं, और वहाँ सभी तुमसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, सब राज दुलारी हो। लेकिन एक समय आएगा कि एक इस घर से एक भिन्न घर में, अपरिचित परिवार में जाकर के जीवन की शुरुआत करनी होगी, वहाँ रहना होगा। यदि वहाँ रहने का प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त नहीं किए हैं, क्यों होता क्या है जनरली, जब लड़की मान लो गलती कर भी दी तो माता पिता कहें छोड़ो ना, कहा कि उनको परेशान करना, डांटना, कुछ कहना, कुछ नहीं, उनके लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं, कोई उनको दंड विधान पनिश नहीं करते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब यही गलती कहीं ससुराल जाके करेगी तब वे लोग क्षमा नहीं करेंगे, वे लोग क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जो भी बहु बना करके घर लाता है या वो जब बहु घर आती क्या अपेक्षा करते हैं, ये अपने मायके से प्रशिक्षित हो करके आई है, भोजन बढ़िया बनाएगी, घर की व्यवस्था अच्छी करेगी और सबकी सेवा करेगी, और सभी अपेक्षा लेके बैठे रहते हैं। और आप अपनी बेटी को इस प्रकार संस्कारित नहीं किए हैं, केवल उनको पढ़ाई तक ही सीमित रखे हैं। ध्यान दीजिए, केवल स्कूल की ही आप पढ़ाई करवा रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई करने वाले बच्चे स्कूल की परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन जीवन की पढ़ाई जब नहीं करते हैं ना तो जीवन में फेल हो जाते हैं। लेकिन आपने तो जीवन की पढ़ाई दी ही नहीं उनको, है जीवन का पाठ पढ़ाया ही नहीं है उनको, है क्या होगा जीवन का पाठ? केवल उन्हें पुस्तकीय ज्ञान न हो, क्या होना चाहिए उन्हें, घर के कार्यों का भी ज्ञान हो। पढ़ी लिखी बहुत है और उसको एक रोटी सब्जी बनाना नहीं आता, कोई मिष्ठान बनाना नहीं आता, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें घर के कार्यों में भी के लिए भी प्रशिक्षित करिए, चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे वो भोजन भंडार की बात हो, चाहे वो आए गए मेहमान का स्वागत करना हो, क्योंकि ये परिस्थिति, ये स्थिति उसके भविष्य में फेज उनको करना पड़ेगा, ये स्थिति आएगी। और ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? पढ़ी लिखी तो बहुत है लेकिन वो बोध नहीं, उस तरीका नहीं है ना, तो कभी उसने ठीक से उनको प्रशिक्षण मिला है कि भाई भोजन ठीक से बना लेना चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए, आए गए मेहमान या परिवार के लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया है तो कैसे काम बनेगा? केवल आपकी डिग्री वहां काम नहीं आने वाली है। और खास करके हमारी भारतीय सिस्टम क्या है, थोड़ा से ये भले अंतर है लेकिन है, वो बताता हूँ। पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों ऑफिस जाते हों, दोनों किसी कार्यालय में काम करते हों, और समान रूप से दोनों समय लगाते हों और परिश्रम करते हों, लेकिन जब घर लौट करके दोनों आएंगे तब क्या होगा? भोजन में कौन जाएगा, किचन में कौन जाएगा भोजन बनाने के लिए? वही जाएगी, समझ रहे हैं ना। अच्छा दोनों जब मेहनत करके ऑफिस में तब क्या दोनों अकेली क्यों जाए भाई? लेकिन नहीं, वो या तो अखबार का पन्ना पलटेगा या टीवी देखेगा या फिर मित्रों के साथ गपबाजी करेगा, भोजन वही बनाएगी। ये नहीं कि तनख्वाह कम है उसकी, तनख्वाह कम नहीं है उसकी, कई बार तो उनकी तनख्वाह भी ज्यादा होती है, इसके बावजूद उनका बराबर सहयोग नहीं मिलता है। कुछ लोग हैं जो करते हैं बराबर सहयोग करते हैं, तो मैं कह रहा था ऐसी स्थिति में उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित करना आप लोगों का दायित्व है। और सही प्रशिक्षण नहीं होगा क्या होता है, एक उदाहरण बताऊं, कहानी याद आई।
एक बेटी थी, बिटिया जो पढ़ी लिखी तो थी और होम साइंस फर्स्ट डिवीजन में पास। तो जब ससुराल गई तो सभी मेहमान जो लोग इकट्ठे आए हुए थे वो लोग कहे, भाई बहू आई हो तो होम साइंस में फर्स्ट है, आज तो उनका बनाया कुछ खाना है, क्योंकि कोई निश्चित रूप से बड़ा पकवान खाने वाली होगी, उनका बनाया कुछ तो उनके तरफ से हो, उनके हाथ का बनाया। तो फिर सासू माती घर में उसने कहा कि बेटी देखो मेहमान लोग बैठे हैं और वो तुम्हारा बनाया खाना चाहते हैं, तो कुछ बना दो। उसने कहा कि माँ क्या बना दूँ, देखो सरल तो ये है, हलवा बना दो, सूजी रखा है, हलवा सिक के बना दो, ठीक है। तो अब हलवा तो कभी वो बनाई नहीं थी, अब क्या करें। तब उसे अचानक ख्याल आया, जब पढ़ाई करती थी उस समय की पुस्तक वो अपने पेटी में धर के ले आई थी। तो फिर वो बताया कि ये सब सामान रखा है, ऐसे ऐसे है। तो वो जो पन्ना था ना, वो जो जहाँ पर हलवा बनाने की विधि थी, उसको खोल लिया और प्लेटफार्म में रख दिया उस पर। और यहाँ दिखा भी सूजी है, उसको साफ कर लो, साफ करके घी में कढ़ाई में घी डालो और फिर उसको सेको, ऐसा ऐसा करके। तो सब करने लग गई, सारी क्रिया कर रही है। और करते करते प्रयास करते करते क्या हो गया उनका, वो खिड़की तरफ से हवा आई और उसके पन्ने पलट गए। तो कहाँ चला गया वो, समोसा बनाने की विधि में निकल गया। तो वो तो सेकने वाला काम तो हो गया था, जैसे आलू को सेकते हैं ना, उतना सेक लिए थे। अच्छा सेक लिए तब क्या करना चाहिए, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा मिर्चा डाल दो, थोड़ा धनिया पत्ती डाल दो। तो उसने कहा ये सब तो हो गया सेकने का काम, थोड़ा नमक मिर्चा धनिया और हल्दी सब डाल दिए उसमें, सब डाल दिए सेक करके, और फिर पानी डाल करके पका दिए। कहे हलवा तैयार है, हाँ तल तैयार है। और सभी जो मेहमान आए थे सोच रहे थे, भाई आज तो निश्चित रूप से कोई बढ़िया चीज खाने को मिलने वाली है, क्योंकि तो पढ़ी लिखी आई हुई है। अब ठीक है, प्याली में सब वो हलवा तो दिख भी रहा था, लेकिन थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि उसमें न तो उसमें कोई काजू किशमिश था, न तो उसमें मीठा था, क्या पड़ा था समझ के ना, जो बताया वो सब पड़ा था। जब हलवा के नाम से जब वो आया तो बड़ा अजीब लगा उन लोगों को, ये कैसा हलवा है, कैसा हलवा है, समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप उनके उनको प्रशिक्षित करके, नहीं तो क्या होगा जानते हैं, जब वो घर के कार्यों में असफल होगी या फिर उनके शब्द भी सही नहीं निकलेंगे, विनम्रता और शालीनता के शब्द नहीं निकलेंगे, और किसी के द्वारा कोई डांटी गई तो वो भी कहीं पलट करके जवाब देने वाली हो गई और साफ सफाई में भी ध्यान नहीं देगी, तो जानते हैं क्या होता है, क्या कहेंगे वो, कुछ नहीं, उनको तो कमे कहेंगे, पता नहीं इसकी माँ कैसी है, घर वाले कैसे इनको सिखा करके नहीं भेजे, यूं ही भेज दिए हैं। और कहीं वो झगड़ा लड़ाई करने वाली हो गई तब तो फिर ये मत समझो कि केवल वो घर वालों को कहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ से आए, अरे से वो पिथौरा से तो आए हैं, पूरे पिथौरा को ही बदनाम करेंगे, समझ रहे ना, सबको बदनाम करेंगे वो लोग। इसलिए सही ढंग से उनको प्रशिक्षित करके भेजिए घर के भी। मैं कल शाम को भी कहा था कि आपका घर भी बोलता है, सामान सिस्टम से रखो, कपड़े लत्ते सिस्टम से रखो, बर्तन भाड़ा सिस्टम से रखो, साफ सुथरा। ऐसा नहीं है कि आप भोजन कर लिए रात में और बस पढ़ाए जूठा, दोपहर भोजन कर लिए पढ़ाए जूठा, नहीं, भोजन कर लो, सब लोग भोजन कर ले, बर्तन साफ, किचन में जाओ साफ, बिल्कुल ऐसा लगे कि एक बार मुझे ख्याल है, देखो मुझे तो अभिमान वाली बात तो कहनी नहीं है, लेकिन सूरत में आश्रम में हम लोगों के एक अपने ही किसी संप्रदाय के शाखा के वो संत आए और आ करके देखे किचन में बर्तन साफ कायदे से सब रखे हुए हैं सिस्टम से, जहाँ थाली रखनी है थाली है, कटोरी खंड अलग है, गिलास का खंड अलग है और कुकर इत्यादि खंड अलग है, सब कुछ अलग अलग रखा हुआ है। इसी प्रकार से उनका प्लेटफार्म है नीचे, साफ नीट एंड क्लीन। उसने कहा वाह इतना साफ किचन तो भाई पहली बार देखा। और ऐसा नहीं है कि वो उनको देखे तब, वो तो वैसे ही रहता है, स्वाभाविक सी बात थी। तो एक वो थी बहू आई, तो बहू आई, अब वो आजकल तो आदत ही कुछ ऐसी हो गई कि देर रात में तक सोना और सुबह देर होने पर सूर्य का चढ़ जाएगा तब नींद खुलना उठना, इसको बदल दो, ये ठीक नहीं है। बच्चों को भी इस प्रकार से प्रशिक्षित करो कि जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। आप लोग भी आदत बनाइए कि रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें।
सुबह जल्दी उठने की आदत को अच्छी आदत मानी जाती है। ये ध्यान दो, सुबह उठने की आदत को अच्छी आदत मानी जाती है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत। लेकिन वो जो बहू आई थी, पढ़ी लिखी तो थी, मॉडर्न स्टाइल, तो देर तक सोती थी। अब गांव में तो मामला ये है कि सुबह उठ करके झाड़ू बहारू करे, साफ सफाई करे, पानी कांजी भरे और सब बातें थी, लेकिन वो कब करती नहीं थी। सासू माँ ने सोचा कि अब नई नई बहू आई है, यदि मैं उसे कहूँ कि उठ करके सुबह जल्दी साफ सफाई करो, झाड़ू लगाओ, तो पता नहीं उनको कैसा लगे, तो हो सकता है ये कुछ दिनों के बाद खुद ही लगाएगी। तो अब सफाई तो करनी थी, तो सास ने क्या किया, उठती थी सुबह और झाड़ू लगाती थी, साफ करती थी। सोची कि मुझे जब झाड़ू लगाते देखेगी तो खुद उठ करके वो संकोच में झाड़ू लगाएगी। लेकिन वो बहू भी कोई कम नहीं थी, रोज सास को झाड़ू लगाते देखती थी, लेकिन कभी उठ करके वो सहयोग नहीं करती थी। लेकिन जो बेटा था, उसके मन में होता था, माँ झाड़ू लगाती है और ये सोई रहती है। उन्होंने भी सोचा, नहीं नहीं आई है, यदि मैं कुछ कहूँ तो पता नहीं इनको बुरा ना लग जाए, उसने भी नहीं कहा। फिर सोचा क्या करूँ कि उठ करके काम में लग जाए सुबह सुबह। उसने सोचा कि अगले दिन, कई दिनों के बाद उसने कहा माँ के पास, सुबह उठ गया खुद वो। उसने क्या कहा, माँ एक काम करो, क्या सोचा था, मैं झाड़ू लगाऊंगा कम से कम, तब तो इनको लाज लगेगी और उठ करके झाड़ू लगाएगी। तो गया माँ के पास, माँ मुझे झाड़ू दे दो, मैं लगाता हूँ। उसने कहा, बेटा तुम पुरुष की जात, तुम झाड़ू लगाओगे, ये तो हम नारियों का काम, स्त्रियों का काम है, मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम जाओ अपना काम करो। उसने कहा, नहीं माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, और माँ कहती, नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे आग्रह कर रहे हैं कि मैं झाड़ू लगाऊंगा या मैं झाड़ू लगाऊंगी। और अंदर में जो बहू रानी थी ना, वो देखते सुन सुन करके हंस रही थी, लेकिन उठ करके वो बाहर आकर के झाड़ू लगाना नहीं चाहती थी। तो जब दोनों का आग्रह बढ़ गया, वो कहता कि मैं झाड़ू लगाऊंगा और उसकी माँ कहती कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, वो रहा नहीं गया, उठ करके आती है और क्या कहती है, अरे झाड़ू लगाने के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे हो, मैं एक उपाय बताती हूँ, एक दिन झाड़ू आप लगा लेना, एक दिन झाड़ू आप लगा लेना। ऐसी बहू आएगी, कैसा लगेगा आपको, क्या आपने प्रशिक्षित किया है, शब्द कैसे निकलना चाहिए उनके अंदर से, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे करना, ये सारी चीज जब नहीं बनाओगे बचपने से। वो ऐसा नहीं है कि छोटी लड़की है और घर घर घूमनी हो गई है, वहां से उनके घर जाना, उनके घर और वहां से ताजा समाचार ला करके घर में बरास बताना, नहीं, संयम। ये भी सच है, केवल लड़कियों को संयम नहीं, लड़कों को भी सिखाना है। आप लोग सुने होंगे शायद, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त तक को शुरुआत, शुरू शुरू में जब वो स्पीच दे रहे थे, तो क्या बोले थे बताऊं, मुझे अभी भी याद है, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा, जब लड़कियां बाहर जाती हैं घर के, तो घर के लोग पूछते कहाँ जा रही हो, और जब लड़के बाहर जाते हैं ना घर से, तो कोई नहीं पूछता कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं पूछते हो। जिस दिन लड़कों को पूछना शुरू कर देगा कहाँ जा रहे हो, तो ये जो अनाचार और बलात्कार हो रहा है ना, उसकी रेशियो अपने आप गिर जाएगा, क्यों नहीं पूछते हो। इसलिए पूछो उन सब चीजों को। तो मैं ये कह रहा था, इसके बावजूद लड़कियों की मर्यादा अलग है, संयम ज्यादा जरूरत है उनको, लड़कियों की बात अलग है, वो अलग ढंग से उनका जीवन, उनका शारीरिक स्थिति ऐसी है, उनका ढंग ऐसा है, लेकिन लड़कियों के बिल्कुल भिन्न है। इसलिए बहुत उनको ध्यान में रखना पड़ता है, और खुद भी ध्यान में रखें, और इस प्रकार संस्कारित करके जब भेजते हैं उसको ससुराल में, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय होता है, और उनकी उपस्थिति से जिस परिवार में वो गई है ना, वहाँ के लोगों को भी आनंद आता है। घर में लक्ष्मी आई है, घर में लक्ष्मी आई है, देवी आई है, उनकी सेवा भावी से। देखिए, सुंदरता सब कुछ नहीं है, ध्यान दो, जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में शरीर की सुंदरता अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्वभाव, स्वभाव, आप कोई देखने में कोई सुंदर है, बढ़िया है उनका कदकाठी, लेकिन उनके शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे जहर निकल रहा हो, सेवा का नाम नहीं है, क्या करेंगे उनकी सुंदरता को लेकर के। कुछ दिन तो अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में उनका स्वभाव में यदि कटुता है, क्रूरता है, अच्छी नहीं लगेगी वो।
लेकिन देखने में वैसे तो सुंदर और सुंदर हमारे मन की मान्यता ही है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है वो। तो यदि जिनको आप असुंदर कह रहे हैं, यदि वो सेवा भावी है, मृदुभाषी है, सब कुछ बढ़िया करती है, सहनशील है, क्षमा भाव है उनके अंदर में, वो प्रीकर हो जाएगी। इसलिए सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करो, जीवन में सद्गुण बढ़े, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जब प्रशिक्षित होकर के वो ससुराल जाती है तो स्वयं भी सुखी रहती है और ससुराल के लोगों में छोटी मोटी कमियां रहती है वहां भी जाकर के वो ठीक कर लेती है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जब वो ससुराल गई तो घर के लोगों के शब्द सही नहीं निकलते थे, मैं जानता हूँ शब्द सही निकलते थे। अब शब्द निकलते थे उस परिवार में, उसने कहा नहीं, मैंने अपने बचपने से ये शब्द नहीं सुने हैं और मुझे ये पसंद नहीं है, आप लोग भी ये शब्द न निकाला करें। बहू की मर्यादा करनी पड़ी और वो शब्द बदले, खान पान का सिस्टम बदले, साफ सफाई का सिस्टम बदले। तो जब बहू कोई सही ढंग से पहुंच जाती है तो घर के वातावरण को बदल देती है, यदि वो गलत ढंग है, गलत संस्कार है, तो घर के वातावरण को भी गलत कर देती है। इसलिए बहुत जरूरी है आप बचपने में उसको सही संस्कार दें। दूसरी बात मैंने कहा गृहिणी, जब वो घर में जाए गृहिणी, ये क्या करना है उसको, माता पिता की सेवा और बड़े बुजुर्गों की सेवा, बच्चों के प्रति सही समता का भाव हो और आए गए मेहमान के प्रति सम्मान का भाव, ये जब चीजें वो करने लगेंगी तो क्या होगा, क्या होगा इससे, इससे पूरे परिवार का वातावरण बदल जाएगा और इतना अच्छा लगेगा। कोई मेहमान आया, जब उनके व्यवहार को, स्वच्छता को, आदर भाव को, भोजन पानी को जब देख करके एक अनुभव करके जाएगा तो उनको इतना अच्छा लगेगा, वो चार जगह कहेगा भाई उनके घर तो जो बहू आई है ना वो तो देवी है, पूरा देवी है। क्यों? गुणों की प्रशंसा होती है और अवगुणों की भी चर्चा होती है, लेकिन अच्छे भाव से नहीं। आप उन्हें इस प्रकार करके भेजे और गुण उसमें डेवलप। तो जो गृहिणी का काम है कि वो ये सबके लिए बराबर और समता का भाव रखे। ऐसा नहीं है कि आप अपने पति के थाली में घी डाल दिए और जो जेठ हैं और जो देवर हैं उसके लिए वैसी परस दिए, ये गलत होगा। सबके लिए बराबर रखो, सबको एक समान मानो। और छोटे छोटे बच्चे घर में कई हैं, सबको एक समान, ऊंच नीच का भेदभाव न रखो इस चीज को। ये सारी बातें जब होने लगती हैं तो आप जानते हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो ये गृहिणी स्वच्छता के संबंध में, परिवार के साथ में समरसता के संबंध में, ये सारी चीजें जब करने लगता है तो उनका उनकी गृहस्थी भी सुखद होती है। और दूसरी तीसरी बात क्या है, माँ। मैंने कहा ना तीन रूप हैं, फिर से बता रहा हूँ, कन्या, गृहिणी और माँ। तो कन्या के विषय में बताया थोड़ी बात, अब गृहिणी तो और भी विस्तार से बातें बताई जा सकती है, बताई जा सकती है कि जब मैंने कहा ना कई ऐसे हों तो इसमें चाहे बच्चे ही ऊंच नीच हो सबको हो, जैसे कोई आपके भी बच्चे हैं और आपके परिवार में और भी देवरान जेठान हैं उनके बच्चे हैं, आपस में बच्चे कभी कई बातों को लेकर के लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, आप लोग भी देखे होंगे छोटी छोटी बातों को लड़ बैठे और लड़ रहे हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे को गोद में ले लिए और दूसरे के बच्चे को आंख आंख दिखाने लग गए, नहीं, ये गलत हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति बने तब जो आपकी देवरानी है या जेठानी है उनके बच्चे को गोद में लेकर के अपने बच्चे को कहो। यदि कहीं ये दृश्य जब आपके घर के लोग देखेंगे ना तो जानते हो आपके प्रति कितना आदर भाव हो जाएगा और उन बच्चों के मन में कितना आदर भाव हो जाएगा। इसलिए अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे को दुत्कारना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके बच्चे हों, आपके भाई के बच्चे हों या ननद भावज के किसी के बच्चे हों, आपके ही बच्चे हैं, सब अपने बच्चे मान करके सबके साथ में समता का। ऐसा नहीं कि बच्चे का, एक उदाहरण याद आया, एक परिवार में कई बच्चे बैठे थे भोजन के लिए, दूध परस रही थी, एक घर की गृहिणी थी वो दूध परस रही थी। और जानते ना दूध जब पका होता है ना तो ऊपर में एक लेयर बन जाता है, क्या कहते हैं उसको, समझ रहे हैं ना, साड़ी कहते हैं इधर, एक प्रकार से मलाई, सही है ना, मलाई।
तो वो जब और बच्चों के कटोरी पर वो दूध डालती जाती थी तो उस जो ऊपर की मलाई थी उसको थोड़ा हटा लेती थी, और अंधेरा कुछ ऐसा प्रकाश भी नहीं रहा। जब उसके बच्चे का नंबर आया तो बहुत सारी वो साड़ी की सहित मलाई की सहित उसके कटोरी में डाल दिया। अब बच्चे खाने लगे तो वहीं से चिल्लाता है छोटा बच्चा, क्या कहते हैं, मम्मी इतनी सारी मेरे में मलाई डाल दी, मैं इतना मलाई खा ही नहीं सकता हूँ। किसी बच्चे के मलाई उतना नहीं आया था, उसके बच्चे के माया था और चिल्ला बैठा वो। अब उसकी पोल खुल गई, आप तो औरों को भी दे सकते थे ना, लेकिन नहीं, मेरा बेटा है मुझे देना है उनको, दूसरों को क्यों दे दूं। ये जो पक्षपात का भाव होता है वो घर को तोड़ के रख देता है, ध्यान देना। ये जो भेदभाव है ये घर को तोड़ के रख देता है, चाहे वो घर की महिलाएं करें, चाहे घर का पुरुष ही क्यों ना करे। पुरुष भी यदि ये गलती करता है तो भी घर को बिखरने में देर नहीं लगती है। इसके लिए भी महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि एक भाई था, वो खेत गया, गन्ने की खेती होती थी, तो वहां से एक गन्ना ले आया कि भाई सी ही ले आया। तो जैसे गन्ना ला करके घर में प्रवेश करता है तो उनके छोटे भाई का लड़का भी देख रहा था और उस देख करके चिल्लाया, ताऊ जी मुझे गन्ना चाहिए। उनका बेटा भी था, पापा मुझे गन्ना चाहिए। दोनों दौड़ पड़े गन्ना के लिए, गन्ना एक, बच्चे दो, क्या करें, गन्ना को उसने तोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या था, आप लोग जानते हैं गन्ने का जो ऊपर का भाव होता है, ऊपर वो मीठा कम होता है, रस कम होता है, और नीचे का भाग मीठा ज्यादा होता है। अनुभव किए होंगे ना, नीचे का भाग ज्यादा होता है। तो जो नीचे वाला भाग था वो भाई के लड़के की तरफ पड़ रहा था वो हाथ, और अपने बेटे की ओर में ऊपर वाला। अब सोचा कि यदि मैं कम मीठा वाला अपने बेटे को दूं, ज्यादा मीठा वाला भाई के बेटे को दे दूं, ये उनको रहा नहीं गया और अपने हाथ को उन्हें क्रश कर दिया। अर्थात मीठा वाला अपने बेटे को दिया, कम मीठा वाला भाई के बेटे को दिया। ऐसा संजोग उसका भाई देख रहा था, देख लिया और कहता है फिर अगले दिन, भैया अब बंटवारा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? नहीं, हो जाना चाहिए। कि हुआ क्या, कुछ तो बातें हुई नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं हुई, क्यों कह रहे तुम बंटवारा के लिए? कहें देखो भैया, जब गन्ने में भी आपको भेदभाव दिख रहा है, मेरा बेटा और आपका बेटा तो आपके घर के मुखिया हैं, पता नहीं क्या सोचते क्या करते होंगे आप, इसलिए अभी अलग होना अच्छा रहेगा। मैं क्या कह रहा था, भेदभाव की जो भावना होती है और कार्य होते हैं वो परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है। समता भाव रखो, प्रेम भाव रखो। एक बहन थी, बहुत ही सच्ची घटना है, उसके पांच भाई बहन, वो लोग पांच भाई थे। पांच भाइयों के सबकी अपनी शादी हो गई थी, सब लोग आए हुए थे, और वो जो थी वो सबके मध्य में थी, बीच में। तो सारी व्यवस्था घर की बहुत बढ़िया समता भाव से किया करती थी। एक बार किसी ने पूछा, बड़ा अद्भुत है, इतना बड़ा परिवार जिसको पांच भाइयों के इतने बच्चे, और सबके साथ आप बड़े धैर्यपूर्वक सारा काम कैसे कर पाती हो सबके साथ में? उन्होंने कहा मैं एक सूत्र जानती हूँ, वो सूत्र शायद आप लोगों के काम आए। उन्होंने कहा कौन सा सूत्र है वो? उन्होंने कहा जब बड़े बड़े डांटते हैं, बड़ों की डांट को मैं सह लेती हूँ और छोटों की गलती को क्षमा कर देती हूँ। ये शायद काम आए आप लोगों को। तीजा में व्रत रह करके जितना फायदा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा फायदा होगा जो मैं बता रहा हूँ, यदि इसको ग्रहण कर लिए तो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बड़ों की डांट को सह लेती हूँ और छोटों की गलतियों को क्षमा कर देती हूँ। मैं समझती हूँ बड़े हैं, बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? बड़े डांट सकते हैं, उनका अधिकार होता है, मेरी गलती तो बड़े डांटेंगे, इसलिए मैं सह लेती हूँ, मैं उलट के जवाब नहीं देती हूँ। और छोटे हैं, छोटे से गलती हो सकती है, मैं क्यों गलती करूं उनसे? गलती तो मेरा काम है क्षमा कर देना, ये मैं करती हूँ बस। बड़ों की डांट को सह लेती हूँ और छोटों की गलती को क्षमा कर देती हूँ बस। और इतने मात्र से पूरे घर के वातावरण को वो सुंदर बना के रखी थी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, यह संभव नहीं है। इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी आदमी हो कोई जरूरी नहीं है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए न पढ़ने लिखने की जरूरत है,
न धन की जरूरत है, न ही ऊंचे पद पे पहुंचने की जरूरत है, बहुत सरल है। अभी तो मुझे जीवन की व्याख्या करने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं संक्षिप्त में देखिए, मैं माताओं के लिए मैंने कही तीन बातें कह दी थी, कन्या और गृहिणी और माँ। माँ के विषय में कल रात में बहुत सारी बातें कह दी, बस आपका दायित्व है माँ बनने के बाद में उसको अच्छे संस्कार दो, क्योंकि आपकी महिमा, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इंसान वह है जो माँ बनाती है, आप बनाते हैं इंसान को, इसलिए आप सही इंसान निर्मित करें। जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी, जिस घर के बच्चे संस्कारी है ना, समझ लो वह घर माँ का आभारी है, क्योंकि माँ ही है जो उसको संस्कार दिलाई है, संस्कार दी है उसने, इसलिए माँ के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। निश्चित रूप से उसने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं। मैं ये खास करके माता बहनों के लिए जो बातें कही, ये काम करो, फिर कौन सा व्रत करती हो, किसकी पूजा करती हो, ये सब बातें बात की है। असली चीज है कि आप जीवन को संवारते हैं कि नहीं संवारते हैं, जीवन को सुधारते हैं कि नहीं सुधारते हैं। चाहे किसी की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ और किसी देवी देवता की पूजा करो, क्या अर्थ है मैं पूछूं आपको, चाहे आप शिव की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, राम और कृष्ण की पूजा करो, चाहे इवन कबीर की ही क्यों ना करो, चाहे ईसा मोहम्मद की हो, किसी की भी, कोई संत हो, किसी देवी देवता को, दुर्गा भवानी को पूछती हो, क्यों, कभी पूछा है आपने क्यों करती हो, क्या ये जारी पूजा करते हैं उन्हीं देवी देवताओं के लिए है, क्या आप किसी भगवान की पूजा भगवान के लिए करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा किसी देवी देवता के लिए करते हैं, नहीं अपने लिए करते हैं, सच है ना, अपने लिए करते हैं, तो आपको कैसे होना चाहिए, किस लिए करते हैं पूजा। देखिए कुछ लोग तो पूजा करते होंगे, मैं उनकी बातें नहीं करना चाहता हूँ कि मेरा धन बढ़ जाए, मैं मुकदमा में जीत जाऊं, या मेरे ये हो जाए वो हो जाए, ये जो मांग लेकर के जाते हैं ना, उनकी तो बातें अभी मुझे नहीं करनी है। समय पड़ने पर तो कहता हूँ कि कैसा ये कैसा तरीका है, भय और प्रलोभन देकर के धर्म के क्षेत्र में जो आगे बढ़ेंगे धर्म को समझ ही नहीं सकते हैं, असली धर्म क्या होता है। बहरहाल मेरा यहाँ पर जो कहने का भाव तो यह है कि पूजा करके हम चाहते हैं चित्त की शुद्धि, आंतरिक पवित्रता, मन की निर्मलता, और ये नहीं हो रहा है तो पूजा किस काम की। या कोई भी धर्म के क्षेत्र में आप कदम बढ़ाते हैं, किसी भी उपासना पद्धति को लेकर के आगे बढ़ते हैं, किसी भी गुरु इष्ट को मानते हैं, यदि आपके जीवन के दुख और अशांति घट नहीं रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इसी के लिए हो आखिर। जैसे मैं एक बात पूछूं आपको, आप भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिए और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, क्या मतलब निकलता है, भोजन करके भी भूख न मिटे, पानी पी के भी प्यास न मिटे, दवाई खा के भी रोग दूर न हो, तो सारी चीजों को लेने का क्या अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से जब हम किसी पूजा पाठ और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे भजन करें, साधना करें, कुछ भी करते हैं, और हमारे जीवन के दुख और अशांति घट नहीं रहे हैं, वो किस काम के, किस काम के। चाहे आप गंगा नहाते हो, चाहे किसी की पूजा करते हो, करो, मैं उसके लिए ये भी नहीं कहूंगा इसकी पूजा करो इसकी, सब पूजा बराबर है, सब मंत्र बराबर है, ये कहना गलत है कि मेरा मंत्र श्रेष्ठ है, मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, उनके गुरु छोटे हैं, मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरी किताब बड़ी, ये सब लड़ाई झगड़े की बात है। सच क्या है, सभी महापुरुष श्रेष्ठ हैं, सभी ग्रंथ आदरणीय हैं, सभी देवी देवता श्रेष्ठ हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, महत्वपूर्ण यह है आपका जीवन। आप यदि पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आप सफल हैं, और आप यदि पवित्रता की ओर नहीं बल्कि अपवित्रता जीवन में बढ़ती चली जा रही है, अशांति बढ़ती चली जा रही है, दुख बढ़ता चला जा रहा है, तो आपके कर्म कांड आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकते हैं। मैं ये कह रहा था जीवन को संवारना, जीवन को सुधारना बहुत सरल है, बहुत सरल। मैंने कहा ना, पढ़ने लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे भी ये काम कर सकते हो, कर सकते हो, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी। मैं इसलिए कहता हूं,
क्योंकि जीवन को खराब करने में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं है? जीवन को बर्बाद करने में पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो जीवन को संवारने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? जैसे एक अनपढ़ आदमी और बीड़ी पीता है और क्या कहता है, हम तो यदि अनपढ़ आदमी बिना पढ़े लिखे आदमी बीड़ी पी सकता है, फिर से कह रहा हूं, बिना पढ़े लिखे आदमी यदि बीड़ी पीना शुरू कर सकता है तो बिना पढ़े लिखे आदमी बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है, क्या असंभव है? यदि अनपढ़ है इसलिए बीड़ी पी रहा है तो क्या बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा? नहीं, सीधी सी बात है। बिना पढ़े लिखे जब आप बीड़ी पी सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे आप बीड़ी पीना छोड़ भी सकते हैं। बीड़ी बिना पढ़े लिखे आप क्रोध कर सकते हैं, बिना पढ़े लिखे आप गाली दे सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे आप क्रोध भी छोड़ सकते हैं और गाली देना भी छोड़ सकते हैं। कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा करना है। जो भी जीवन में गलतियां आ रही हैं, हो रही हैं, उन गलतियों को छोड़ करके वापस आ जाना है। जिस रास्ते से आप आए हैं अपने घर से, क्या वो रास्ता बंद हो गया है? क्या उस रास्ते से लौट नहीं सकते हैं? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस काम को करने की ताकत हम में है, सूत्र याद रखिए, जिस काम को करने की शक्ति हम में है उस काम को न करने की भी शक्ति हम में है कि नहीं है? यदि मुझे बोलने की शक्ति मिली है तो न बोलने की भी शक्ति मिली है, मुझे चलने की शक्ति मिली है तो मुझे न चलने की भी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा ना, कोई गलत चीज खाता पीता है, ये शक्ति मिली है गलत चीज खाने पीने की, तो गलत चीज को छोड़ने की भी शक्ति है उनके पास। कटु बोल सकते हैं आप, कटु बोल सकते हैं, मीठा भी तो बोल सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, प्रेम भी तो कर सकते हैं। आप चाहते क्या है निर्भर यह है, आप चाहते क्या? आप चाहेंगे मैं क्रोध की जगह प्रेम करूंगा, घृणा और वैमनस्य की जगह करुणा रखूंगा, आदर करूंगा, जीवन बदलने लग जाएगा। आपके पास जो संसाधन है उसी में काम करना है। ध्यान दीजिए, थोड़ी बात कहूंगा मैं इसमें भी, और ये शायद गहरे सूत्र भी हो सकते हैं। आपके पास में जो है वो आपके लिए पर्याप्त है, बशर्ते उसका आप सही उपयोग करना शुरू कर दें। जैसे मैं ये उदाहरण दूं, आप एक पत्थर की मूर्ति बनाना चाहें या बनवाना चाहें, कहूं एक बड़ा कीमती पत्थर आपके घर के सामने आपके पास है और आपने एक अच्छे कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार को आप उसको बुला लिए हैं और आप किस लिए कहते हैं कि इसमें एक मूर्ति बना दो, और कलाकार ने कहा ठीक है मूर्ति बना दूंगा, लेकिन आपको बताना होगा मैं किसकी मूर्ति बनाऊं। क्या कह रहा है? किसकी मूर्ति बनाऊं? और आपने कहा इसमें आप भगवान राम की मूर्ति बना दो। उसने कहा ठीक है बना दूंगा। अगले दिन आप कहते नहीं जी भगवान राम की मत बनाना, हनुमान की बना दो। उसने कहा हनुमान की भी मूर्ति बन सकती है इसमें। फिर आपने कहा नहीं नहीं, ना भगवान राम की बनाओ ना हनुमान की बनाओ, कबीर साहब की मूर्ति बना दो। हाँ कबीर साहब की बन सकती है। फिर अगले दिन आपने और कुछ कहा। उसने कहा देखिए आप सोच करके बताइए, एक सप्ताह का समय देता हूँ, आप सोच लीजिए फिर बताइए। अब मन में चलने लगा मैं राम की बनाऊं, हनुमान की बनाऊं, कबीर की बनाऊं। फिर एक दिन मन में हुआ नहीं मुझे किसी व्यक्ति की नहीं बनाने की मूर्ति, मैं अब शेर की मूर्ति बनाऊंगा। हाँ शेर की भी बन सकती है। फिर एक दिन कहा नहीं शेर की भी नहीं बनाना है, गधे की मूर्ति बनाऊं। हाँ गधे की भी बन सकती है, उल्लू की भी बन सकती है। ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ? उस पत्थर में भगवान राम की भी मूर्ति बनने की संभावना है, उस पत्थर में हनुमान की मूर्ति बनने की संभावना है, कबीर की मूर्ति बनने की संभावना है, उसमें शेर की मूर्ति बनने की संभावना है, गधा और उल्लू की भी मूर्ति बनने की संभावना है। महत्वपूर्ण क्या है? आप चाहते क्या है? सही है कि नहीं? चाहते क्या है? और सब संभावना लेकर के वह पत्थर है। यही बात जीवन के लिए, आप और हमारे जीवन में वो सारी संभावनाएं हैं जो बुद्ध के अंदर थी, जो महावीर के अंदर थी, जो कबीर और नानक के अंदर जो संभावना थी वो हमारे अंदर भी है।
प्रकृति जो है ना, कुदरत जो है ना, कभी पक्षपात नहीं करती है कि उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध के लिए विशेष व्यवस्था कर दिए, कबीर के लिए विशेष व्यवस्था कर दिए, नानक और रविदास के लिए विशेष व्यवस्था कर दिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवस्था थी उसमें उन्होंने वैसा काम किया। क्या किया वही मैं बताना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ, यदि आप इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुन सकें तो। क्या है, देखिए, उन्होंने कोई अलग व्यवस्था प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने अलग ढंग से काम किया, बस अलग ढंग से। फिर से बता रहा हूं, मूर्ति बनाने के लिए कोई भी कलाकार क्या करेगा, औजार साथ में लेता है। हाथ में क्या लेता है, छीनी और हथौड़ी या ग्राइंडर इत्यादि लेकर के मूर्ति का निर्माण करता है। यदि आपने सुंदर पत्थर तो दे दिया, अच्छा पत्थर दे दिया, लेकिन उसको कोई औजार नहीं दिए, क्या वो मूर्ति बना पाएगा? सोनार को सोना दे दो, चांदी दे दो और औजार न दो, आभूषण बना पाएगा? नहीं बना सकता है। किसी कारपेंटर को, बढ़ई को आप लकड़ी दे दो, औजार ना दो, नहीं कर सकता है। किसी दर्जी को कपड़ा दे दो, सूट बनाने के लिए औजार चाहिए, औजार के बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपको मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने के लिए किसी भी बाहरी औजार की जरूरत नहीं है, किसी भी बाहरी औजार की जरूरत नहीं है। क्यों? वो औजार आप साथ लेकर के आए हैं और सबके पास है ना, मैं यहां से देख रहा हूं, सबके पास है वो औजार। महत्वपूर्ण है उसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि उपयोग करना नहीं जाने तो क्या हो गया, हमारे हाथ में भी छीनी हथौड़ी दे दे और पत्थर दे दे और हमें मूर्ति बनाने के लिए कहे और हम मूर्ति बनाना शुरू भी कर देंगे, क्या होगा जानते हैं? उस पत्थर की आकृति को ऐसा बिगाड़ेंगे कि कलाकार आके भी नहीं बना पाएगा फिर ठीक से, उसको विकृति कर डालेंगे। क्यों? ना तो हमें छीनी हथौड़ी चलाने का ज्ञान है, ना ये भी सिस्टम है कि कैसे करना चाहिए, कैसे बनाना है उसके। इसी प्रकार से एक कैनवास दे दे बोर्ड और एक रंग दे दे, कुछ कई प्रकार के रंग और ब्रश दे दे और कहा जाए इसमें आप एक सुंदर चित्रकारी करो, पेंटिंग करो, क्या करेंगे हम? रंग भी खराब करेंगे, बोर्ड भी खराब करेंगे और उसको काला पीला करके पोत के छोड़ देंगे, कोई आकर्षित नहीं होगा। लेकिन किसी कलाकार चित्रकार के हाथ में वही रंग, वही ब्रश, वही कैनवास, जब उसमें ऐसा वो तुलका घुमा देता है ना, कुछ मिनट के लिए ही हजारों रुपये वो बिकने लग जाता है, सुंदर लगने लग जाता है। क्यों? वो जानता है कैसे रंग का कहाँ उपयोग करना है, कहाँ पर कैसा ब्रश चलाना है। क्या हम लोगों ने सीखा है अपने औजार को चलाने का? सीखा है? और नहीं सीखे इसलिए अपने जीवन को ऐसे बिगाड़ते चले जाते हैं जिस जीवन में सुख आनंद और शांति का अनुभव किया जा सकता है, इसी जीवन में हम तनाव का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, बीमारी का अनुभव करते हैं, गरीबी का अनुभव करते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं, प्रेम और नफरत और घृणा का अनुभव करते हैं। क्यों? आपके अंदर में वो संभावना है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या संभावना है? आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, प्रेम और मैत्री का अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके अंदर, आपके पास जो औजार है ना, उसको सही तरीके से चलाना सीख जाए, सीख जाए। प्रश्न होता है कि औजार कौन कौन से हैं आपके पास में, आप लोग जानना चाहेंगे उस औजार को? औजार सबके पास है, वो औजार आपके पास है, वो है आपका मन, वो है आपकी वाणी और वो है आपकी इंद्रियां। बस मन, वाणी और इंद्रियां, इन तीनों का उपयोग आप कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे करते हैं, यही जीवन बदलता है। थोड़ी सी कटु हो सकती मेरी बातें, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता, ध्यान देना, तीर्थ जाने से जीवन नहीं बदलता, कर्म कांड करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब आप बदल जाते हैं, और आपको बदलने के लिए आपको विचारों को बदलना पड़ेगा, आपको शब्दों को बदलना पड़ेगा, आपको एक्शन बदलना पड़ेगा। आप कुछ भी सोचते रहें और पूजा पाठ चलता रहे, क्या होगा उससे? आपके विचार में ही गंदगी है, भीतर ही अपवित्रता है,
वाणी से भी अपवित्रता निकलेगी। भीतर यदि जहर भरा है तो वाणी से भी जहर निकलने वाले हैं, और भीतर यदि अमृत है, मधु है, तो वाणी से भी निकलेगा, और सारे कार्य भी वही होने वाला है, होने वाला। कबीर साहब की पंक्ति है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, अंदर क्या भरा। करवा समझ रहे हैं आप लोग? करवा एक ऐसा घड़ा जिसमें टोटी लगी हो। पहले शादी के समय ऐसा होता था, उत्तर प्रदेश में अभी भी चलता है। लेकिन यदि आप लोग करवा नहीं समझते, केटली तो समझते हैं ना, आप तो समझ गए होंगे, चाय परोसने वाले। यदि उसके अंदर में चाय भरी हो तो उसकी टोटी से क्या निकलेगा? चाय निकलेगी। दूध भरा हो तो, पानी हो तो, आपके अंतस में क्या भरा है? यदि कड़वाहट है तो वाणी से कड़वाहट निकलेगी। मैं वाणी सुधार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आचरण सुधार की भी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अंतस की पवित्रता। आप सोचते ही कैसे हैं? हमें बोलना सिखाया गया, हमें चलना फिरना सिखाया गया, हमें पढ़ना लिखना सिखाया गया, हमें बहुत कुछ सिखाया गया, एक चीज नहीं सिखाई गई, कैसे सोचे, कैसे सोचे। और ये जीवन का मूलभूत बात है, कैसे सोचे, यही भर नहीं जानते। और ये जिस दिन जानना शुरू कर दी, क्यों बता रहा हूं मैं इस चीज को, एक कितना महत्वपूर्ण। आप जीवन बदलना चाहें तो क्या बदलेंगे? जीवन बदलना चाहें तो घर बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा। घर बदल देंगे तो जीवन बदल जाएगा, या घर को सुंदर बना लेंगे, जीवन सुंदर हो जाएगा। घर में एक सुंदर गाड़ी खरीद के ले आए, क्या सुंदर गाड़ी के आने से जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या आप सुंदर एक कीमती कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? सभी समझते हैं। और यदि आप चेहरे को भी सुंदर बना लें, आजकल दुकानें भी हैं चेहरे को सुंदर बनाने की, कुछ समय के लिए, है कि नहीं है? और लोग जाते भी हैं, जाते भी हैं। तो क्या चेहरा के सुंदर होने से जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होने वाला है। बस वही समझना, क्या है जिसको सुंदर बनाने से जीवन सुंदर हो जाता है? और वह है आपका मन। जिसका मन अच्छा होता है उसका जीवन अच्छा होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। और यही बात सदगुरु कबीर ने अपनी बातें कही, कहते हुए कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फल। एक मन को साध लो। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई प्रशिक्षण ही नहीं है, कैसे सोचे जाने ही नहीं है। और इसीलिए अच्छा, बाहर जब बोलते हैं तब तो चिंता करते हैं, मेरी बातें किसी को कटु ना लग जाए, या कोई मुझे टोके ना। कई लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े लोग भी बैठे हैं, जब मेरे से गलत शब्द निकलेंगे तो टोकेंगे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ध्यान रखता हूँ बोलने के लिए। लेकिन अंदर जब सोचता हूँ तब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन जो अंदर ब्रेक लगाना सीख गया, वो आदमी अपने जीवन को सफल बनाता है। क्योंकि आप जब विचार बदलते हैं तभी जीवन बदलता है। यदि आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। मैंने पढ़ी है पुस्तक, चेंज यूअर थिंकिंग चेंज यूअर लाइफ। आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, जो जीवन में चाहिए उसके विषय में सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। सही शब्दों का इस्तेमाल करो, कटु कुठार नहीं, दूसरों को तकलीफ देने वाला नहीं। कबीर साहब की पंक्ति सबको याद है, मैं क्या बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं, आप सबको पता है, बचपने से बातें सिखाई जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे शाले शकर शरीर। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। तौलो, क्या मैं बोलने जा रहा हूं सचमुच हितकारी है? पहले ही अभ्यास किया ही नहीं गया, पहले हमने अपने जीवन को बिल्ड ही नहीं किया है। जीवन निर्माण के लिए हम समय ही नहीं निकालते हैं, दुनिया के निर्माण के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन खुद को निर्मित करने के लिए समय ही नहीं है लोगों के पास में। और ऐसे ही तितर बितर उबड़ खाबड़ जीवन जिए चले जा रहे हैं। जीवन जीने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कैसे जीना है इसको भूल ही गए हैं। कैसे जिए, न इसकी पढ़ाई होती है,
न कोई सामाजिक प्रशिक्षण होता है, न परिवार के लोग इस चीज को प्रशिक्षित करते हैं, नहीं बताते हैं कैसे जिए। इस चीज का ज्ञान हमें बचपने से हो जाना चाहिए, न कहीं समझ आए तब से करें, कम से कम धार्मिक स्थल में जाए तब तो सीख ही जाना चाहिए। लेकिन धार्मिक स्थल में भी जा करके कुछ किस्सा कहानी पुरानी बातों को बस दोहराते रहना, कभी राम कथा हो गई, कभी कृष्ण कथा हो गई, कभी भागवत कथा हो गई, कभी किसी की कथा हो गई, जीवन की कथा नहीं होती है। जीवन कैसे बदलें, जब तक इसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी और सही कार्य नहीं होगा तब तक जीवन नहीं बदलेगा। मैं यही निवेदन करता हूँ, आपको बहुत सुंदर मिला है जीवन का अवसर, इस अवसर को चूके मत। एक ही बात, जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। बहुत सुनहला अवसर मिला है, चाहे नर हो नारी हो, आप इसे सुंदर बना सकते हैं, आप इसे सफल बना सकते हैं, इसी जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। आप सभी ये करें, मैं सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप स्वस्थ जीवन जिए, प्रेम पूर्ण जीवन जिए, समृद्ध जीवन जिए और आनंदमय जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस समय अपनी वाणी को विराम देता हूँ।